बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलोज किचन। आज हमने हर्बल टी बनाई है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आप इसे जिंजर एंड बेसल टी भी कह सकते हैं। तो आइए इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हर्बल टी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 1 लीटर वाटर ऐड करेंगे। इसमें हम 1 इंच का टुकड़ा जिंजर का, जिसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, वो ऐड कर देंगे। सिनेमन स्टिक के 3 से 4 स्टिक्स ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें सौंफ डालेंगे, फेनल सीड्स। 1 टीस्पून इसमें क्यूमन सीड्स ऐड करेंगे। 2 लौंगे और 1 छोटी इलायची। इसको उबाल लेते हैं। ये पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं बेसल लीव्स, 4 से 5 पत्ते इसके डाल दें। मिंट 7 से 8 लीव्स, इनको वॉश करके फिर ऐड कीजिएगा। 8 से 10 किशमिश, 1 टेबलस्पून गुड़, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिंक सॉल्ट काला नमक 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इन सब चीजों को मिक्स करके हम इसको कवर करके हल्की आंच पे 8 से 10 मिनट कुक करेंगे। फ्लेम लो कर देते हैं और इसको कवर कर देते हैं। ये 10 मिनट्स हो गए इसको लो फ्लेम पे पकते हुए। बस हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको 5 मिनट और कवर करके छोड़ देंगे और उसके बाद छानेंगे। अब मैं इसको कैटल में डाल लेती हूँ। ये हर्बल टी जो है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी है। इसे आप काढ़ा भी कह सकते हैं। ये कोल्ड, कफ, थ्रोट पेन और फीवर से आपको बचाएगी। इस टी को आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करें और ये आपको बहुत सी बीमारी से महफूज रखेगी। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगी, ठंड से होने वाले नज़ले, जुकाम और खांसी से बचाएगी। हमने ये दोनों ग्लास फिल कर लिए। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें हनी ऐड करेंगे। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसमें हनी ऐड ना करें, वो बस लेमन जूस ऐड करें और उसके बाद इसको कंज्यूम करें। और मैं साथ जो है डिस्क्रिप्शन में भी बेनिफिट्स इसके लिख दूंगी। ये रेडी है और इसको गरम गरम हम पियेंगे। हर्बल टी को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक सेंड करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।